तो ये आर्मर रगेड स्मार्टवॉच है बोट ब्रांड की तरफ से, बिल्कुल ये टफ लुक एंड फील की आपको मेटेलिक बॉडी मिलने वाली है। हम इसको हाइट से फेंकते हैं, चेक करते हैं कितना सही तरीके से सर्वाइव करती है। और ये गई, आई, दुख दर्द पीड़ा। मैंने इसको लगभग 2 से 3 दिन हो गए यूज़ करते करते, आपको साथ शारी से शारी आपको डिटेलिंग चेक करूँगा। बाबा भाई साहब, तो भाई साहब साहब जी अभी तक कॉल नहीं आया बीवी का। अरे जल्दी कॉल करो, अभी तो कॉल नहीं कर रही है। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली ही बोट ब्रांड की तरफ से लॉन्च हुई है बोट वेव आर्मर ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच। इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट भी है। और यहाँ पर आपको पूरे रगेड लुक एंड फील की 1.83 इंच का आपको बड़ा डिस्प्ले मिल जाएगा। लुक एंड फील काफी बढ़िया दिया गया है स्मार्ट वॉच का, साथ ही में इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिलने वाला है। सिंगल चिपसेट ब्लूटूथ कॉलिंग यूज की गई है, डिस्कनेक्शन का इशू फेस नहीं होने वाला है। बाकी मैं इसको लगभग 2 से 3 दिन से यूज कर रहा हूं, पर्सनल आपका एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा अपना, इसकी टफनेस कैसी है, मैंने इसको हाइट से फेंक के देखा भी हुआ है काफी, इसका आउटपुट कैसा है ब्लूटूथ कॉलिंग को लेकर, यूआई कैसा है, फीचर्स कैसे वर्क करते हैं, सेंसर्स कितने एक्यूरेट है, सब हम टेस्टिंग करेंगे ताकि अगर आप सोच रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करने का, एंड तक पॉसिबल से आप डिसाइड कर ही लेंगे कि इसको आपको ग्रैब करना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको बोट वेव आर्मर ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच का ऐसे बढ़िया सा आपको बॉक्स मिल जाएगा और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और बैक साइड में आप देख सकते हैं काफी फीचर्स मेंशन किए गए हैं, हम आगे सब डिटेलिंग में चेक करेंगे। अनबॉक्स करते से आपको मिल जाएगा हमेशा की तरह बहुत सारा पेपर वर्क, वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, ब्रांड की तरफ से ब्राउशर वगैरह वगैरह आपको मिलने वाला है। लगता है जितने भी दुनिया के पेड़ है मैक्सिमम ये पेड़ बोट ही यूटिलाइज कर रहा है, पेड़ काट काट के पेपर वर्क प्रोवाइड कर रहा है आपको। और आपको मिलने वाले यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग अच्छी क्वालिटी के आपको मल्टीपल स्टिकर्स मिल जाएंगे, जो आई एम अबाउट इट का स्टिकर है उसको छोड़ के यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी के बढ़िया बढ़िया स्टिकर्स मिलने वाले हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बढ़िया लेंस की यहाँ पे आपको चार्जिंग केबल मिल जाएगी टू चार्ज योर स्मार्ट वॉच। और अगर हम बात करेंगे मेन प्रोडक्ट की, दिस इज द स्मार्ट वॉच यू विल बी गेटिंग, फिजिकल ओवरव्यू चेक करेंगे तो 22mm के आपको सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिलने वाले हैं। क्वालिटी काफी बढ़िया मेंटेन की गई है, रफ एंड टफ तरीके से यूज कर सकते हैं, डिटैच भी कर सकते हैं। आपको प्रॉपर हिंजेस मिल जाएंगे, बैक साइड में आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट मिलने वाला है, सेंसर्स मिलने वाले हैं, बिल्ट इन स्पीकर माइक्रोफोन मिल जाएगा, हम आगे कॉलिंग टेस्ट करेंगे इसके थ्रू। और साइड में आपको ऐसे 2 मल्टीफंक्शन बटन्स मिलने वाले हैं और आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पे आपको टफ जिंक कलर की बॉडी यूज की गई है। टफनेस को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, मैंने इसको कुछ हाइट से यहाँ पे फेंक के देखा भी था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई थी बिल्ड क्वालिटी को लेकर। अगर बाई चांस कुछ यहाँ से गिर भी जाती है हाइट से, कुछ एक्सीडेंटल यहाँ पे आपको टकरा जाता है कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मेरे लिए। अगर आप आउटिंग करते हैं, ट्रिप्स करते हैं, आप ट्रैकिंग करते हैं, पत्थरों पे चढ़ते हैं, उस पर्पज के इसको आप डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हैं। और लुक एंड फील भी बिल्कुल आपको बढ़िया मिलने वाला है, लुक एंड फील पार्ट को लेकर मुझे कोई इशू नहीं लगा। और फ्रंट में आपको 1.83 इंच का आपको बड़ा डिस्प्ले मिलने वाला है 550 निट्स ब्राइटनेस के साथ, बिल्कुल आपको फ्लैट स्क्रीन मिलने वाली है। बेजल्स आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे, हल्के से ऊपर नीचे थोड़े से आपको बेजल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन डिस्प्ले आपको बिल्कुल बढ़िया मिलने वाला है। और अगर हम इसके यूजर इंटरफेस की स्मूथनेस की बात करेंगे, यहाँ पे आपको बिल्कुल सही यूआई मिल जाएगा, बहुत ज्यादा परफेक्टली स्मूथ भी नहीं है लेकिन आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से आप स्मूथ तरीके से यूआई को एक्सेस कर सकते हैं। और जो साइड में बटन्स दिए गए, जो ऊपर वाला बटन है वो पावर ऑन ऑफ का बटन है, उसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो स्क्रीन का डिस्प्ले ऑन और ऑफ होता है। एंड जो नीचे वाला बटन है उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट है एप्लीकेशन पार्ट का, जितनी भी आपके एप्लीकेशन स्मार्ट वॉच है यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे हम फीचर्स की बात करेंगे, यहाँ से अगर आप स्क्रीन से स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो आपको ऐसे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलने वाला है शॉर्टकट, जो कि सही लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहा है। एंड स्क्रीन से स्वाइप राइट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको स्टेप काउंटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं मल्टीपल शॉर्टकट्स, यहाँ पे आपको कौन से शॉर्टकट्स चाहिए यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट दी गई है। और यहाँ से अगर आप स्क्रीन से स्वाइप अप करेंगे तो आपको मिल जाएंगे नोटिफिकेशंस, मैसेज पार्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिमिटेड डिस्प्ले दिखाने वाला है, अगर बड़ा मैसेज आता है फुल मैसेज आप रीड नहीं कर सकते हैं स्क्रॉल करके। ये मेरे को लगा डिसअपॉइंटमेंट, यहाँ पे थोड़ी बहुत इंप्रोवाइजेशन देनी चाहिए मैसेज पार्ट को लेकर, और इसमें आपको क्विक रिप्लाइज का ऐसे कोई ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। और यहाँ से अगर आप स्क्रीन से स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएंगे मल्टीपल शॉर्टकट्स, डू नॉट डिस्टर्ब को आप स्लीप मोड में एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस को यहाँ पे आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और आउटर कंडीशन की ब्राइटनेस की अगर हम बात करेंगे, आउटर कंडीशन में मैंने ब्राइटनेस बिल्कुल फुल कर दी और आपको अच्छी ब्राइटनेस मिलने वाली है, बहुत ज्यादा परफेक्ट ब्राइटनेस भी नहीं है लेकिन हाँ आप मैनेजेबल तरीके से अच्छे तरीके से सनलाइट में भी है तो यूज तो कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे ब्राइटनेस बहुत ज्यादा नहीं दी गई है, लेकिन आपको अच्छी ब्राइटनेस मिल जाएगी आउटर कंडीशन में। और साथ ही में आपको फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिलने वाला है, जो ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर है उसको आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं, जो ब्लूटूथ उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिल जाएगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है, सिंपली अगर आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर चुके हैं टैप करेंगे स्मार्ट वॉच में जो आपके फोन का वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो जाएगा और साथ से आप कमांड्स दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे सेटिंग्स पार्ट में तो आपको मिलने वाली है मल्टीपल सेटिंग्स, यहाँ पे आपको मेन्यू व्यू मिल जाएगा, आपको ग्रिड स्टाइल चाहिए कि लिस्ट स्टाइल चाहिए यहाँ पे आप सेट कर पाएंगे। स्क्रीन डिस्प्ले में यहाँ पे आपको वॉच फेसेस मिलने वाले हैं अच्छी अच्छी क्वालिटी के, जो आपको पसंद आए यहाँ से आप ग्रैब कर सकते हैं। ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा, स्क्रीन टाइम का ऑप्शन दिया गया है, मिनिमम 5 सेकंड्स का ऑप्शन है स्क्रीन टाइम, मैक्सिमम 30 सेकंड्स आप स्क्रीन टाइम को ऑन रख सकते हैं, इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलने वाला है।
और साथ ही में आपको मिल जाएगा जो रेस टू वेक फीचर है, यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हैं कि रेस टू वेक फीचर को आप जब यूज करें कि 2 सेकंड बाद ऑटोमेटिक स्क्रीन डिस्प्ले बंद हो जाए या 5 या 6 सेकंड्स बाद डिस्प्ले बंद हो जाए। और इसका रेस टू वेक फीचर बिल्कुल सही तरीके से वर्क करता है, प्रॉम्प्ट आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा जब भी आप स्मार्ट वॉच को ऊपर करेंगे, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। यहाँ पर आपको मिलने वाला है बैटरी का ऑप्शन, बैटरी में आपको मिल जाएगा प्रॉपर बैटरी परसेंटेज दिखा देगा, पावर सेविंग मोड में आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आपको वाइब्रेशन इंटेंसिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वाइब्रेशन अलर्ट्स नहीं चाहिए, सॉफ्ट चाहिए कि स्ट्रॉन्ग चाहिए, यहाँ से आप सेट कर पाएंगे। लैंग्वेज में आपको सिंपली यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया, और कोई लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और QR कोड आपको मिल जाएगा, इसमें आपको बोट क्रेस्ट एप्लीकेशन का सपोर्ट दिया गया है, हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे वर्क करता है एप्लीकेशन पार्ट। और पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी दिया गया, इसको आप ऑन कर सकते हैं, पासवर्ड सेट कर सकते हैं अगर आप चाहे कोई और स्मार्टवॉच यूज न करें, या जो एक्सीडेंटल टचेस होते हैं उसको आपको अवॉइड करना है, पासवर्ड प्रोटेक्ट करके आप बढ़िया तरीके से इसको यूज कर पाएंगे। और सिस्टम में आपको मिल जाएगा सिस्टम इन्फो, पावर ऑफ और रीसेट का ऑप्शन, तो ये सब आपको चीजें मिलने वाली है इसकी सेटिंग्स पार्ट में। और जो नीचे वाला बटन दिया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको आप सिंगल प्रेस करेंगे जितनी भी आपके एप्लीकेशन से स्मार्टवॉच की यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉपर आपको डायल पैड मिल जाएगा कॉलिंग पर्पस के लिए, यहाँ पे आप डायल कर सकते हैं, किसी का कॉल आएगा तो यहाँ पे आप सिंपली रिजेक्ट कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं कॉल को, और आप लीजिए ब्लूटूथ कॉलिंग का टेस्ट के थ्रू। हेलो। हेलो। हाँ दीक्षा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बेबी के साथ मासा एंड बियर देख रही हूँ। मासा एंड बियर देख रही हो, बढ़िया। अरे अभी मेरे पास ना बोट आर्मर करके एक स्मार्ट वॉच आई हुई बोट ब्रांड की तरफ से, उसमें क्या ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर है, तो मैं स्मार्ट वॉच के थ्रू डायरेक्टली बात कर रहा हूँ तुमसे, अपने ऑफिस के ऊपर टेरिस पे खड़ा हूँ। मेरी आवाज़ तुम्हें कैसी आ रही है? आवाज़ तो क्लियर आ रही है, वोकल्स काफ़ी क्लियर है, लाउडनेस भी अच्छी खासी है। ऐसे कोई डिस्टॉर्शन, बैकग्राउंड एक्टिविटीज, हवा की आवाज़ें? नहीं नहीं कुछ भी नहीं ठीक हो रहा है। अच्छा, ओवरऑल कॉलिंग सही है इसकी? आवाज आ रही है, हाँ अच्छी है कॉलिंग। चलो ठीक है दीक्षा, थैंक यू, बाय। और स्पीकर और जो माइक्रोफोन है बिल्कुल सही तरीके से वर्क करता है, मेरी वाइफ बिल्कुल फोकसली मुझे सुन पा रही थी, आपने देखा मैं आउटडोर कंडीशन में टेरेस पे खड़े होकर बातें कर रहा था, उसको ऐसा कोई दिक्कत फेस नहीं हो रही थी। और स्पीकर भी बढ़िया लाउड दिया गया है, मेरे को कोई दिक्कत फेस नहीं हो रही थी इसको सुनने में। माइक्रोफोन और स्पीकर बिल्कुल सही तरीके से वर्क करते हैं, इसको आप डेफिनेटली अच्छी ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। साथ ही में आपको कॉन्टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉल रिकॉर्ड्स का ऑप्शन, वॉइस असिस्टेंट फीचर, एक्टिविटी डेटा का ऑप्शन मिल जाएगा। और वर्कआउट्स में आपको 20 डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड्स मिलने वाले हैं, जो भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़े लिमिटेड स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं, मेरे साथ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स मोड्स देने चाहिए थे। और अगर हम एक्यूरेसी की बात करेंगे, हाथों में मैंने बिल्कुल टाइटली स्मार्ट वॉच को पहना हुआ था और लगभग मैं घूम फिर के अप्रॉक्सीमेटली मैं 44 स्टेप्स चल गया था, स्मार्ट वॉच में दिखा रहा था 45 स्टेप्स। तो काफी तक आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी अगर आप स्मार्ट वॉच को हाथों में टाइटली पहनेंगे, आपको एक्यूरेसी बढ़िया मिलने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स रिकॉर्ड्स चेक करने का ऑप्शन, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। और सेंसर से एक्यूरेसी की बात करेंगे, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर आप देख सकते हैं काफी तक आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है इंस्ट्रूमेंट किट में और स्मार्ट वॉच में। ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट में आपको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है, कैजुअल रीडिंग इसको आप ग्रैब कर सकते हैं, एक्यूरेसी चाहिए परफेक्ट तो हेल्थ इंस्ट्रूमेंट किट साथ उनको आप यूटिलाइज कीजिएगा फॉर बढ़िया एक्यूरेसी। मैसेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा और वेदर इन्फॉर्मेशन को आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे आपके जो सिटी में करंट वेदर चल रहा है, लेकिन इसमें वेदर फोरकास्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, नेक्स्ट फ्यू डेज का वेदर नहीं दिखाता है, मेरे हिसाब से इंप्लीमेंटेशन देनी चाहिए थी यहाँ पे। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलने वाला है, इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट से, ये भी एक प्लस पॉइंट है। म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप स्टैब्लिश करके कनेक्शन प्ले पॉज कर सकते हैं, ट्रैक्स को ट्रैक्स आप चेंज कर सकते हैं, स्पीकर की जो लाउडनेस है उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। और जो बिल्ट इन स्पीकर दिया गया उसके थ्रू भी आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है, उसका भी आप आउटपुट सुन लीजिए कैसा आपको मिलने वाला है। साथ ही में स्टॉप वॉच का ऑप्शन, टाइमर सेट करने का ऑप्शन, अलार्म क्लॉक, कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, फाइंड माय फोन का ऑप्शन, और सेटिंग्स में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो ये सब आपको चीजें मिलने वाली है स्मार्ट वॉच में। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके जो IPX रेटिंग दी गई है, इसमें आपको IP68 रेटिंग दी गई है, बॉक्स में मैंशन है, मैंने अमेजन पर चेक किया तो IP67 मैंशन था बॉक्स पे, लेकिन IP68 मैंशन है। अगर आप हैवी एक्टिविटीज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, स्वेट आता है, पानी के स्प्लैशेस भी लगते हैं, थोड़ी देर तक अंडर वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक मत लेके जाइएगा, अच्छी तरीके से बिल्कुल स्मार्ट वॉच पानी झेल जाती है। एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करेंगे तो बोट क्रेस्ट एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है, जैसे आप कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे फ्रंट में जितनी भी आपने एक्टिविटीज की हुई है, स्टेप काउंटिंग को लेकर, सेंसर्स पार्ट को लेकर, यहाँ पे आप ट्रैकआउट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर आप जाएंगे वेव आर्मर फीचर्स पर, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे फीचर्स मिलने वाले स्मार्ट वॉच के। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं वॉच फेसेस, यहाँ पे आपको मल्टीपल क्लाउड बेस्ड अच्छी अच्छी क्वालिटी के वॉच फेसेस मिल जाएंगे, जो आपको पसंद है यहाँ से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और बैकग्राउंड पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो फोटो है आपके स्टोर्ड फोन में, या आपको कैमरा से भी पिक्चर लेनी है उसको भी वॉच फेस की तरह लगाना है, वो भी आप कर सकते हैं।
टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो मल्टीपल आपको कस्टमाइजेशन मिल जाएगी वॉच फेसेस को लेके, सिलेंडर रिमाइंडर का ऑप्शन, अलार्म सेट कर सकते हैं, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, वेदर अपडेट्स आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस में आपको यहाँ पे कॉल नोटिफिकेशंस चाहिए कि नहीं चाहिए, एसएमएस नोटिफिकेशंस, एप्लीकेशन नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं जो आपको एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन चाहिए स्मार्ट वॉच में, ऑटोमेटिक हार्ट रेट ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ब्लूटूथ कॉलिंग को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे आपको 10 कॉन्टैक्ट सेव करने का ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू, वो भी आप कर पाएंगे। फाइंड माय वॉच का ऑप्शन मिल जाएगा, गूगल फिट का ऑप्शन मिलने वाला है, और यहाँ पे अगर आप जाएंगे सेटिंग्स पार्ट में, तो यहाँ पे आप वॉच सेटिंग्स में जाएंगे तो जो रेस टू वेक फीचर है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिस्टेंस यूनिट आपको किस में चाहिए, टाइम फॉर्मेट कैसा चाहिए, डू नॉट डिस्टर्ब को एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं, कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू आप यूटिलाइज कर सकते हैं, मल्टीपल आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, एडिकेट तरीके से एप्लीकेशन भी वर्क करती है। और अगर हम बात करेंगे इसके बैटरी लाइफ की, मैं इसको लगभग बोलते हैं 3 दिन से अच्छे तरीके से यूज कर रहा हूं, और मैंने इसका एडिकेट यूसेज किया हुआ है, बहुत ज्यादा हैवी यूसेज नहीं किया हुआ है, और यहां पे अभी स्मार्ट वॉच में बैटरी बची हुई है 50% के आसपास, तो आप बोल सकते हैं अगर आप इसको एडिकेट यूसेज करेंगे, ज्यादा हैवी यूसेज नहीं करेंगे, मैंने थोड़ी बहुत ब्लूटूथ कॉलिंग की हुई है, एडिकेट तरीके से यूज किया हुआ है, 5 to 6 days के आसपास आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगी एडिकेट यूसेज पे, हैवी यूसेज करते हैं ब्लूटूथ कॉलिंग ज्यादा करते हैं 1.5 से 2 दिन के आसपास आपको बैटरी लाइफ मिलने वाली है, एडिकेट यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो मैंने आपको सब प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं, देखा जाए जो लुक एंड फील है, बिल्ड क्वालिटी उससे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, बिल्कुल आपको टफ लुक एंड फील की जो रगेड स्मार्ट वॉच है बिल्कुल जस्टिफाई करती है, ब्लूटूथ कॉलिंग सही तरीके से वर्क करता है, बस जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है उसमें मेरे हिसाब से अनाउंसमेंट देनी चाहिए थी, यहाँ पे फुल डिस्प्ले देना चाहिए था नोटिफिकेशन पार्ट को लेकर, बाकी मैंने आपको सब प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं, प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी तक जस्टिफाई करती है, लेकिन थोड़ी बहुत एनहांसमेंट होनी चाहिए थी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, और इसमें आपको बिल्ट इन गेम्स भी नहीं मिलने वाले हैं, कैलकुलेटर का ऑप्शन भी नहीं दिया गया है, वो भी देते ज्यादा बेटर रहता, बाकी सब मैंने आपको बता दिया, आप पे डिसीजन मैटर करता है इसको परचेज करना चाहिए कि नहीं, पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं, आपको अभी भी कुछ दिक्कत है कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च्ड बोट वेव आर्मर ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच, होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।